हरियाणा में होमगार्ड भर्ती फरवरी 2020, जो अनिल विज माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार ने 1652 पदों को हरी झंडी दे दी थी, आखिर उसका हरी झंडी को अब नियुक्ति पत्र बांटने की जिम्मेदारी आ चुकी है, यानी अब सिलेक्शन हो रहा है और ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो किस प्रकार से आप यदि लगना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको अभी किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, सभी जानकारी पूरा प्रोसीजर इसी वीडियो में। मैं हूँ आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी अलर्ट हरियाणा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले नौकरी से संबंधित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को साथ में दबाएं। तो हरियाणा होमगार्ड जो भर्ती है उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, अब की बार जो भर्ती होगी वो सेंट्रलाइज भर्ती होगी, यानी सेंटर के बेस के आधार पर स्टेट वाइज भर्ती होने वाली है, यानी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कोई रोल नहीं रहेगा। ए भर्ती के लिए एक कमांडेंट एसपी की कमेटी की गठित, यानी भर्ती जो करा रहा है वो एक कमांडेंट और एक एसपी है, उसकी कमेटी जो एक गठित कर दी गई है उसके तहत भर्ती हो रही है। किसी भी ट्रांसफर नियुक्ति अब मुख्यालय के संज्ञान में लाना होगा, स्टेट मुख्यालय भेजना होगा, जिला मुख्यालय तक नहीं होगी सीमित, यानी पुलिस भर्तियों की तरह ही भर्ती होगी, यानी जो भर्ती होने वाली है वो अब सेंट्रलाइज होने वाली है, यानी पुलिस जिस प्रकार हरियाणा पुलिस की भर्ती होती है उसी प्रकार हरियाणा में होमगार्ड की भर्ती हो रही है। भर्ती के लिए कमांडेंट और एसपी की जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है और उसे स्टेट मुख्यालय चंडीगढ़ भेजना होगा। 42 दिन की करनी होगी ट्रेनिंग, होमगार्ड को 42 दिन की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है और ये ट्रेनिंग कंबाइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला में होगी, यानी जो ट्रेनिंग है वो पंचकुला के जो इंस्टीट्यूट है कंबाइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होने वाली है और 14,025 जवान अभी तक इसमें पंजीकृत हैं। होमगार्ड में फिलहाल 14,025 जवान हैं वो अभी तक पंजीकृत हैं और 89 दिन के बाद इनको आधार पर ड्यूटी पर रोटेशन पर लगाया जाएगा, यानी एक जो जवान है वो लगातार 89 दिन काम करेगा, उसके बाद में नया जवान आएगा और जिसका पूरा ब्यौरा चंडीगढ़ भी तलब किया जाएगा। इसके अधिकांश शिकायत अनिल विज के यहाँ पहुंचे, जिसके बाद डीजीपी होमगार्ड के ऑफिस में भी भेजा गया है और स्टेट मुख्यालय को गुरुवार की बैठक बुलाई और इसे जो है सप्ताह भर में सभी समाधान हो जाएंगे। 15 दिन में निपटेंगे एक्स गेरेसिया के केस और जो जवान काफ़ी लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं आए हैं उन्हें भी अब ड्यूटी पर लाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान लाउड एंड ऑर्डर प्रोटोकॉल, परेड, ट्रैफिक सिग्नल, वर्किंग पर्सनालिटी आदि के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 7-7 दिन के अलग अलग कोर्स भी कराए जाएंगे, यानी अब जो कोर्स है 42 दिन में उसमें 7-7 दिन के अलग अलग कोर्स भी होंगे जो होम गार्डों को उनके हिसाब से करवाए जाएंगे। अभी सभी जवानों को 42 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी। जवानों को जो शिकायतें आई उन्हें जल्द निपटाना होगा और अब भर्ती प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया जो है वो पहले जो स्टेट मुख्यालय नहीं था, पहले उन्हें डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर एसपी के तहत या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर किसी को बना दिया जाता था, वही भर्ती प्रक्रिया को करता था, लेकिन अब पीआर देव डीजीपी होमगार्ड हरियाणा ने ये निर्देश दिए हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। कुछ अफसरों के तबादले के लिए भी सरकार को लिख दिया गया, नहीं जो अफसर मनमानी कर रहे थे उनके तबादले भी लिख दिए गए हैं। होमगार्ड का अब सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होने वाला है। जिला मुख्यालय अपने स्तर पर जवानों की भर्ती नहीं कर सकेंगे, यदि नहीं किसी भी जवान पर आरोप है तो उसे पास लगते जिले में ट्रांसफर भी किया जाएगा। पहले होमगार्डों को दूर भेजा जाता था, लेकिन अब उन्हें होमगार्ड ने डिस्ट्रिक्ट जो है वहीं पर उनका ट्रांसफर भी किया जाएगा और अब सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होने वाला। तो अभी जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी जो पहले 14,025 जवान पंजीकृत थे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। 17 फरवरी से पहला बैच शुरू होने वाला था लेकिन वो किसी कारण नहीं हो सका। अब 1 या 2 दिन में जो 14,025 जवान हैं पंजीकृत हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है और जो नए जवान हैं उनका जो पंजीकरण है वो स्टार्ट हो चुका है और जो चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रलाइज जवानों की भर्ती के तहत होने वाली है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। जो नए जवान पंजीकृत होंगे उनको भी फिर 42 दिन के ट्रेनिंग के बाद रोटेशन के अनुसार उनकी ड्यूटी निर्धारित की जाएगी। तो यदि आप भी इच्छा है से होमगार्ड लगने की और सेम जवानों की तरह, क्योंकि अब जो मानदेय है वो भी पहले 18,400 रुपये था, अब उन्हें बढ़ा करके 9,000 रुपये बढ़ा कर 27,400 रुपये उनकी जो मानदेय है बेसिक सैलरी है वो बना दी गई है। एक अच्छी खासी सैलरी और 8 घंटे वर्किंग के लोड के हिसाब से एक अच्छी खासी सैलरी है 27,400 रुपये है। तो ये एक बड़े निर्देश दिए गए हैं और जो भर्ती है वो पूरी प्रक्रिया अब जो सेंट्रल स्टेट लेवल का जो मुख्यालय है चंडीगढ़ है वहीं से होने वाली है और सारा प्रोसीजर ऑनलाइन जैसे हरियाणा पुलिस की भर्ती होती है उसी के अनुसार ये भर्ती होने वाली है। तो यदि आपकी भी इच्छा है होमगार्ड लगने की तो आपके लिए एक अच्छी खबर है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार तो पहुँचाएँ,
ताकि उन्हें भी इस भर्ती का फ़ायदा हो सके और वो भी इस भर्ती प्रक्रिया से गुजर सकें, क्योंकि इस जो भर्ती प्रक्रिया में है वो ऐसे जवानों की ड्यूटी में पूरी तरह से दक्ष होंगे, ऐसे जवानों को ही रोज़गार मिलने वाला है। जो जवान हरियाणा पुलिस के लायक होंगे, यानी जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस का फिजिकल वगैरह होता है, उसी प्रकार से होमगार्ड का भी फिजिकल के दौर से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो वही जो दक्षता थी, वही दक्षता ली जाएगी। तो जो लोग हरियाणा पुलिस की भर्ती से वंचित रह गए थे या सिलेक्शन से वंचित रह गए थे, उनको एक अच्छा खासा मौका मिल सके। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो स्टडी अलर्ट हरियाणा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिल सके हर जॉब से संबंधित जानकारी सबसे पहले आप तक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।